हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इशिका फूड किचन में। आज लेकर के आए हैं आप सबके लिए रेसिपी हरे मटर के कटलेट। आइए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हींग डालने के बाद हमने इसमें लहसुन अदरक ऐड करा है ये अच्छे से। तो अब इसमें ऐड करेंगे हरे मटर। मटर ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। ऐड कर देते हैं। हरी मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर। हरा धनिया ऐड करेंगे। मटर को ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इस मटर को हम मटर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से हम आइए चेक कर लेते हैं मटर को। ये देखिए मटर हमारे तैयार है। अब ये बॉयल आलू लिए हैं। आलू मैश करेंगे इसके अंदर। ये चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, उसको भी मिक्स कर देंगे। कटलेट तैयार करेंगे। हाथों में तेल लगा लिया है। अब कटलेट बनाते हैं। ये कटलेट ऐसे ही हम सारे कटलेट बना लेंगे। 2 चम्मच मैदा ले लेंगे। थोड़ा सा अजवाइन ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा। अब इसे घोल बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैदा का घोल बन करके तैयार है। ये ब्रेड क्रम हो गया। अब इसके अंदर हम कटलेट को डीप करेंगे। ये देखिए अब इसको ब्रेड क्रम में, ये देखिए ब्रेड क्रम में इसे लगा दिया है। ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं। अब इसे सेलो फ्राई करेंगे। अब इसको पलट देते हैं। सुनहरा होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कटलेट हमारे सिक करके तैयार हैं। ये कटलेट हमारे सिक करके तैयार हैं सारे। ये देखिए बन करके तैयार है हमारे हरे मटर के कटलेट। अगर वीडियो पसंद आता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट।